Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, तो आज हमारे पास जियो का मॉडल है 211S, ये मॉडल है। तो इस मॉडल की जो है हम सिम की सप्लाई है, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसकी सिम की सप्लाई कहाँ पर जाती है, इसका इंसर सिम का जो सोल्यूशन है कहाँ है। तो सबसे पहले फ्रेंड, आप मोबाइल को ऑन करके एक बार उसका IMEI नंबर चेक करिएगा, उसके बाद ही सिम ट्रे जो है उसको छेड़िएगा। नहीं तो आप IMEI नंबर नहीं होने की वजह से भी नो सिम कार्ड बता देता है, तो आप जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा देख सकते हैं ये 211S मॉडल है। इसका अभी हम सिम की जो पूरी सप्लाई है वो हम आपको बता देंगे, कहाँ से कौन सी सप्लाई कहाँ पर जाती है। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपका सिम ट्रे हटाते हटाते ट्रैक मिसिंग हो जाती है तो भी आपको ये सोल्यूशन काम में आ जाएगा। तो आप जैसे ये वाली जो फर्स्ट नंबर की पिन है ये आपको ग्राउंड कर देनी है, सेकंड नंबर की पिन जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है। इस वाले पॉइंट पर हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। ये वाले पॉइंट पर आपको फर्स्ट वाले पॉइंट पर ऊपर के साइड में सिम ट्रे के साइड में आपको कनेक्ट कर देनी है, और सबसे लास्ट वाली जो है बीच वाली छोड़ के सबसे लास्ट वाली को उसके बाजू वाले पॉइंट को जोड़ देना है। हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देनी है। तो दोस्तों, बीच वाली जो पॉइंट है उसका आपने अगर वहाँ पर रीडिंग भी शो नहीं कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सिम जो है वो कनेक्ट हो जाएंगी। बीच वाले पॉइंट से कोई हमने चेक करके देखा है, उस पर कोई मतलब नहीं है, हालांकि वहाँ पर रीडिंग शो करती है। तो इस तरह से आपको ये कवर जो हटा लेनी है, हमने पहले से ही हटा ली थी तो आपको ये हटा लेनी है। उसके बाद जो है हम आपको सप्लाई बताएंगे कहाँ पर आपको जंपर करनी है। ये जो बचे थ्री पॉइंट है, ये थ्री पॉइंट आपको कहाँ लगाने हैं, ये हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारी 211S की बोर्ड है। अभी बोर्ड पर हम देखेंगे कि हमारे सप्लाई कहाँ से कहाँ पर कनेक्ट हो रही है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कभी कभी आपके आपसे ट्रैक मिसिंग हो जाती है, निकालते निकालते स्ट्रे हटाते हटाते या गिरने की वजह से भी ये स्ट्रे हट जाता है और ट्रैक मिसिंग हो जाती है। तो ट्रैक मिसिंग होने की वजह से आप कुछ समझ नहीं पाते, तो इसकी वजह से ये हमें वीडियो बनाना पड़ा है। तो ये देखिए, ये वाली ट्रैक दिख रही है आपको, ये यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। अच्छे से दिख रहा है दोस्तों, आपको ट्रैक वैसे भी दिख जाएंगी। ये वाले पॉइंट पर आपको रीडिंग शो करेंगे, बट नहीं भी इसका कनेक्शन किया तो भी चल जाएगा। और ये वाली यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है, बचे है ऊपर वाले थ्री पॉइंट। एक तो इस वाली साइड वाली ग्राउंड ही है दोस्तों, ये वाली ग्राउंड आपको कहीं भी पीसी पर यहाँ पर अगर ग्राउंड नहीं शो कर रहा है तो कनेक्ट कर दीजिए। स्ट्रे के स्टील कवर को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको। अभी बचे हैं तीन दोस्तों, ये थ्री पॉइंट जो है दोस्तों, इनकी जो ट्रैक है वो आपको नहीं मिलेंगी जल्दी से। तो हम आपको वो भी ट्रैक बता देते हैं कि आपको ये ट्रैक एक्चुअली जाती कहाँ है। तो जैसे कि आपने 211 सॉरी दोस्तों 221S में देखा था, वैसे ही इसमें भी सोल्यूशन है दोस्तों। ये वाली ट्रैक जो है ये यहाँ पर आती है, इस वाले पॉइंट पर। नीचे वाले जो फोर पॉइंट है दोस्तों, फोर पॉइंट की सबसे साइड वाले पॉइंट पर आपको ये ट्रैक जाने वाली है, और ये वाली सबसे उधर वाले साइड पर अपोजिट साइड पर जाने वाली है, और ये वाली जो दोस्तों उसके बाजू वाले पॉइंट ये यहाँ पर कनेक्ट होंगे दोस्तों। इस तरह से आपको ये ट्रैक मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपका सोल्यूशन नहीं बनता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। फर्स्ट दोस्तों आपको IMEI नंबर ज़रूर चेक करना है, IMEI नंबर चेक करने के बाद ही आपको ये करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी IMEI नंबर जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नया आने वाली वीडियो है